हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 388th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुर्कर वेल्थ मैनेजर। माय हॉस्पिटल पार्टनर इज क्रिम्स हॉस्पिटल। होम पार्टनर सिद्धि विनायक इंफ्रास्ट्रक्चर। अ बिग थैंक यू टू ग्लोबस आईटीआई कामटी तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ट्राइकॉस द चॉकलेट ब्रांड नाउ गोइंग ग्लोबल एंड ऑफकोर्स जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स युवा फाउंडेशन एंड आत्मनिर्भर भारत पार्टनर विच इज सर्विसिंग वाला। मोहन एंटरप्राइजेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन राज की बात। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज एक बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात होने जा रही है, बिकॉज प्लाज्मा डोनेट करना मुझे ऐसा लगता है कि खून डोनेट करने से ज़्यादा आज की तारीख में महत्व रखता है। लेकिन उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव ले रहे हैं उनसे बात करना ज़रूरी है। जब पिछले साल लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन में जब एक किस्म की व्यवस्था का की ज़रूरत थी, तब यंत्रणा एडमिनिस्ट्रेशन शायद उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाया जितना एनजीओज ने किया। और उसमें भी एक एनजीओ उभरता हुआ दिखा जहां पर सिर्फ 7 महिलाएं सामने आती हैं, पैसे इकट्ठा करती हैं और बहुत कुछ ऐसा करती हैं जिसको जानना आज की तारीख में ज़रूरी है। मेरे साथ V7 फाउंडेशन से एक प्रथम मेंबर हैं और उनसे बात करना आज जरूरी है। मेरे साथ है मिस मोनिका भगवागर। मैम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू राज की बात। हाय, गुड इवनिंग मैम, इट्स सच एन ऑनर टू स्पीक टू यू। आउच, रियली, यू आर बीइंग टू काइंड। नो मैम, यू आर सो इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर मी। आई एम वेरी हम्बल। एंड मैम, V7 इज डूइंग सम ग्रेट जॉब्स सिंस अ ईयर नाउ। एंड मैम, ये जो जर्नी थी जो पिछले साल लॉकडाउन लगा तब से अब तक V7 फाउंडेशन ने जो काम किया उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। या आई विल मेक इट वेरी क्विक बिकॉज आई वुड रादर दैट यू स्पीक मोर टू द डॉक्टर एंड टू आकांक्षा। व्हेन द माइग्रेंट लेबर इशू हैड हैपेंड, द कंट्री वाज टेकन अनअवेयर्स एंड सो वर द माइग्रेंट लेबर्स। एंड नीजा पठानिया अप्रोच मी दैट मोनिका, हाउ कैन यू हेल्प? एंड दैट्स हाउ आई गॉट कनेक्टेड विद हर। एंड माई रोल वॉज दैट help her to get funds to buy food items for all of them. And I got connected with her for we had the government college in Sadar Polytechnic, and the Tuli Catering College in ahead of, I think, Koradi Road pe hai. जी. So there they were about 200-250 migrants all the time. So unko khana khilana, unko entertain karna, unka morale badhaye rakhna unko. So it was a lot of hard work, and but hats off to the Anirja and her team that time, who really did a fabulous job. So we realized that there is a lot of need for us to do things. Log kaam kar rahe hain par abhi humko bhi kaam karna hai. And जी. When we did this work for the migrants, we realized that we need a proper association, and this was suggested by the police who was helping at that time ki madam aap log group ke nahi banate officially जी. So you can you'll be able to work better. And so that's how V7 was formed, really, with Neerja at the helm of affairs. And there's Neerja, there's Sara, there is Sushila, there is Preeti Valunchkar, Neha Patel, Alifia, and me. So we're 7 of us. And okay. That's how we call ourselves, just simply V7. मैम, जब ये शुरू हुआ, सातों लोग साथ में आए, आपने काम करना शुरू किया, क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या हर्डल्स आए, और कैसे किस किस्म की मानसिकताओं को आप लोगों ने उलझा कर चीजें करना? The first time until today, what have been the challenges? The first time there was absolute chaos, and the basic challenge was to keep the migrants staying put over there. They were extremely scared. Their jo bolte na mansik santulan, they were, what is the word, Raj? Mansik santulan. Santulan. Jee. Bilkul hi Dumbledore tha. And I remember I had to physically hold back the men who wanted to run away from there, and they had their wives, little children, and they just wouldn't want to stay because they were awfully scared that in that migrant home we were putting them, they would feel it's like a jail. So that was one challenge, to hold them back, and in a COVID environment also, right? So that was a really huge issue, how to keep the place clean, and about 200 people, unka khana pakana, unka rehen sehen, right till the nitty-gritties of soap, bathing soap, and their clothes. We organized their clothes, and then very shortly realized the kids are getting hassled. How would they spend their time? So organized games for them. People donated a lot of games, like football, badminton rackets, floorboards. So
as we went along, the needs arose, and thanks to all our friends who really rose to the occasion and really helped out. Yeah. अब मैम वो वक्त आ गया है जब कहीं ना कहीं यू नो एनजीओस का रोल थोड़ा सा कम हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन इज हैज कम ऑन द फ्रंट फुट नाउ, लेकिन फिर भी प्लाज्मा डोनेशन को लेके V7 हैज बीन टॉकिंग यू नो इन टर्म्स ऑफ यू नो हेल्पिंग आउट पीपल, गेटिंग देम कनेक्टेड टू यू नो डोनेशन कैंप्स एंड थिंग्स लाइक दैट. सो आपका क्या सोचना है, कैसे इस चीज को आगे बढ़ाएं? एट द वेरी आउटसेट आई एम नॉट पैटिंग माय बैक, बट आई रियली वांट टू हैंड इट टू माय टीम ऑफ V7. वी आर अबाउट 120 लेडीज एंड ट्रस्ट मी, whoever wants to join, I want them. The phones would start, you know, clicking in the morning at 7 and go on, 6:37, go on in the night till 12:32, constantly answering calls, rather messages. किसको बेड चाहिए, किसको वेंटिलेटर वाला बेड चाहिए, किसको मेडिसिन चाहिए, किसको डॉक्टर का हेल्प चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, कहाँ से खाना मिल रहा है, फ्री फूड, पेड फूड. सो कंटिन्यूसली द वर्क वॉज हैपनिंग एंड दैट रियली मेड मी सो प्राउड ऑफ द लॉट एंड आई एम डीपली ग्रेटफुल दैट ग्रुप ऑफ वेमेन. टिल नाउ दे आर वर्किंग. काम खत्म नहीं हुआ है राज, काम अभी भी है. तो मतलब दो दिन में थोड़े से पॉजिटिव पेशेंट्स हुए हैं तो काम खत्म नहीं हुआ है. द इमोशनल सेटबैक, द फाइनेंशियल सेटबैक एंड द ट्रॉमा दैट द फैमिलीज हैव गॉन थ्रू, नाउ यू नो इट ऑल कम इन टू प्ले. वी आर नाउ लुकिंग एट सॉर्ट ऑफ रिहैबिलिटिंग पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइवलीहुड थ्रू दिस पैंडेमिक राइट नाउ अगेन. अब हमको काम मिल रहा है, NMC पुलिस हमको रेगुलरली अप्रोच कर रही है. जैसे कि भी एग्जाम्स हुए थे, अबाउट 12,000 स्टूडेंट्स केम इन टू नागपुर राइट द एग्जाम्स. उनका लॉकडाउन था, उनका खाना पीना कैसे, सो वी वर अप्रोच बाय द पुलिस दैट कैन यू हेल्प आउट. अगेन ऑल आवर फ्रेंड्स रोज टू द ओकेजन, गेव अस फंड्स, गेव अस फूड आइटम्स एंड वी ऑर्गेनाइज इट इन वन डेज टाइम. सो अगेन दैट वॉज समथिंग विच वॉज रियली समथिंग नोटवर्दी. अभी आप कह रहे हैं कि एनजीओ का काम कुछ नहीं है, अभी भी थोड़ा सा कम हो गया. मैं कह रहा हूं हमको भी कॉल आया अभी एनएमसी फिर से कि वी वांट टू प्रिपेयर यू गर्ल्स टू कम हियर, यू वुमेन टू कम हियर. योर गर्ल्स साउंड गुड, या एंड प्रिपेयर द यंगस्टर टीम हु इज कमिंग इन देयर. इनफैक्ट नीजा वाज सपोज्ड टू बी हियर बट शी हैज बीन देयर सिंस 6:30 इन द मॉर्निंग, सिटिंग देयर एंड आंसरिंग कॉल्स इवन नाउ एंड आल्सो ट्रेनिंग द अदर बॉयज एंड गर्ल्स हु विल नाउ बी टेकिंग फर्दर कॉल्स. वी आर होपिंग एंड प्रेइंग द थर्ड वेव डजंट हैपन. We're hoping and it doesn't happen, but we just don't want to be caught off guard as it happened now. Aur dusri baat, abhi the next project for V7 given to us was called Badhte Kadam. Isme we were given the NMC schools, which we had to again, you know, rehabilitate them and bring them to a particular standard. But now, again, since the second wave came, the project has been postponed. Right, ma'am. So the work is there. ठीक है, तो मतलब अभी तक सिर्फ V7 ने ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. Yes, I hope for good reasons. All for good reasons. Thank But then we also have one more person joining us from the city of Mumbai, and that is a very leading doctor who she works with. You know, Bridge Candy. अगर आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, दीपशा, डॉक्टर दीपशा हमारे साथ जुड़ने वाली है. डॉक्टर दीपशा सुपर उनसे बात करेंगे. हाय दीप्शा मैम, कैन यू हियर मी? हाय हाय राज, आई कैन हियर यू. मैम फर्स्ट इट्स एन ऑनर टू स्पीक टू यू. यू आर अ डॉक्टर एट द ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल मुंबई. वुड लाइक टू नो अ फ्यू थिंग्स अबाउट द प्लाज्मा, अगर आप यू नो वो चीजें हमको बताएं. इट इज माय ऑनर, इट इज माय प्लेजर टू स्पीक टू यू एंड टू स्पीक फॉर V7 फाउंडेशन. आई वाज जस्ट लिसनिंग टू मोनिका आंटी एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ वर्क शी इज डूइंग एंड आई थिंक आई एब्रप्टली लॉस्ट द वीडियो देयर. But it gives us such positive motivation to see that not just, I mean, I think all the medicos and the people who are on front line, the defense, security, and everybody is getting all the credit and all the claps for them. But then there are these NGOs, at least some people are coming out of their houses, even though it is a very tense environment outside, and trying to help those who are finding it very hard to, because these are very difficult times. मुंबई में भी कैसी सिचुएशन है? मुंबई में भी सिचुएशन कैसी है? नागपुर में तो हम यू नो देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सा नंबर जो है वो कम हुआ है, पर मुंबई में कैसे हालात हैं?
Mumbai also has shown, Raj, I'm comfortable speaking in Hindi and English. So if you would want me to switch to Hindi, you just let me know. Whatever मैम हिंदी everybody is हिंदी comfortable. में बात करें तो और मजा आएगा ओके. तो देखिए नागपुर, जी। मैं खुद नागपुर की हूँ. नागपुर वॉज वेरी एड बिकॉज आई थिंक नागपुर में द रूल्स वन नॉट, कभी भी नागपुर का थोड़ा सा चिल्ड आउट मेंटेलिटी रहता है. बट जी बिल्कुल केसेस हैव गॉन, इट इज सरप्राइजिंग. आई वुड से थोड़ा बहुत लॉकडाउन का असर है, बट देन देर इज ऑल्सो वन फैक्टर दैट वी शुड नॉट इग्नोर, इज टेस्टिंग बहुत कम हो गई अभी. सो दैट ऑल्सो एक्चुअली एड्स टू द फैक्ट दैट इसलिए इतने केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं क्योंकि उतने टेस्ट भी अब नहीं हो रहे हैं. बहुत जी सारे हम लोग के हॉस्पिटल में तो ऑफकोर्स पेशेंट एडमिट करने के पहले इवन द अटेंडेंट्स आर आस्क्ड टू डू द टेस्ट नाउ. तो वो तो कोई कर सभी कर रहे हैं, बट रेगुलरली अगर जिसको अभी सबको पता है कि बुखार आया, खांसी आया, टेस्ट गया, वीकनेस हुआ, इवन लूज मोशंस हुआ, यानी ऐसा समझो कि कोविड ही है करके वो घर में बैठ जी जा रहे हैं, 14 दिन बंद कर दे रहे हैं. दैट इज अ गुड थिंग, बट दैट ऑल्सो मीन्स इतने सारे लोग निकल के टेस्ट नहीं कर रहे हैं जो पहले सब कर रहे थे. सो जी एंड इवन अब 14 डेज बाद टेस्ट नहीं करना है, ऐसा तो रूल ही आ गया है. आई मीन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू इट, ऐसा कंपल्सरी नहीं है. तो ऐसे कर करके भी देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फैक्ट कि वी आर सीइंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड. ऑफकोर्स लॉकडाउन एंड वैक्सीनेशन आर टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, बट वी शुड नॉट जी टेक दिस वन लाइक हमने छोड़ दिया है एंड सब बाहर आ गए, ट्रेन चालू हो गया, सब हो गया. एंड नाउ वी आर सफरिंग द सेकेंड वेव, सो वी शुड नॉट डू दैट सेम मिस्टेक अगेन. बट मैम नागपुर अभी भी वैक्सीनेशन का इंतजार कर रहा है, लेकिन प्लाज्मा डोनेशन की शुरुआत नागपुर शहर में पिछले कुछ दिनों से हुई है, लेकिन V7 फाउंडेशन हैज टेकन द इनिशिएटिव टू टेक इट टू द टू टेक इट टू एवरीबॉडी दैट जिन्हों जिनको जो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। अब वो कौन लोग हैं जो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं उसके बारे में और प्लाज्मा के बारे में वो बातें स्पेसिफिकली लेडीज के बारे में हम बात करना चाहेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे और किस किस्म की महिलाएं आगे बढ़कर प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। तो ये समझने के लिए पहले राज हमें ये समझना चाहिए कि ये प्लाज्मा होता क्या है, ये कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा होता क्या है और क्यों ये सडनली इतना इम्पोर्टेंट हो गया. तो अब जी देखिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ नॉन मेडिकल एग्जांपल्स के साथ कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इसका क्या रोल है कोविड के ट्रीटमेंट में. तो सबसे पहले देखिए, जी हमारे ब्लड में सेल्स होते हैं, व्हाइट सेल्स, रेड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सेल्स होते हैं, और ये सेल्स एक फ्लूइड में बहते रहते हैं जिसको बोलते हैं प्लाज्मा. तो ये प्लाज्मा का जी काम क्या है कि वो पूरे ब्लड को यहाँ वहां घुमाएगा, ट्रांसपोर्ट कराएगा, और जो भी उसका एक्सचेंज करने के लिए होगा, उसके न्यूट्रिशन के लिए होगा, वेस्ट होगा, जो कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें होगी वो सब प्लाज्मा में होगा. तो उसमें प्रोटीन जी होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, एंटीबॉडीज होता है. अब ये होता है प्लाज्मा. कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा मतलब, कॉन्वलेसेंट इज एन इंग्लिश वर्ड जिसका मतलब होता है रिकवरिंग. तो ऐसा जी पेशेंट जो कोविड से रिकवर कर रहा है उसके प्लाज्मा को बोलेंगे कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा. ठीक है, इसका मतलब वो खुद तो कोविड के बाहर आ गया, रिकवर कर रहा है, और उसके प्लाज्मा में अभी उसके प्लाज्मा की इंपॉर्टेंस क्या है. अब जी देखिए समझिए, समझो हमारे घर में हम रात को सोए हुए हैं और एक चोर घुस गया. ठीक है, अब जी चोर घुस गया तो हम क्या करेंगे, हम सब 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 उठ जाएंगे और हमारे घर में जो भी वेपन्स होंगे, डंडा होगा, चाकू होगा, छुरी, जो जो भी कुछ होगा, हम सब निकाल के वी विल ट्राई एंड मैम अटैक द मोनिका वायरस. मोनिका मैम के घर में गन है। मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ. तो जी इसलिए V7 फाउंडेशन बन जाता है. सबके जी बस की बात नहीं है वो. तो जी आपने फेसबुक लाइव पे बोलते तो नहीं चलता है इतना बोलिए। आम आदमियों के घर में चाकू, छुरी और डंडे वंडे, झाड़ू पोछा तो यही सब निकालते हैं. तो ये जी चोर जब घुस गया, यानी वायरस हमारी बॉडी में घुस गया, अभी उसको रोकने के लिए सबसे पहले हमारी बॉडी फाइट कर, हम अपने आप ही, पुलिस आएगी, सब आएगा, कुछ भी दूसरे आएगी, उसके पहले हमारे पास जो इफेक्ट, जो भी चीजें जिससे हम अटैक कर सकते हैं वो करेंगे. ठीक है, अब हम मेरे घर में 5-6 लोग हैं, हम सब यंग जवान लोग हैं, हम सबने फाइट किया, हमने चोर को रोक दिया वहीं के और वहीं से भाग गया वो. इसका मतलब मेरी जी बॉडी में वायरस घुसा, मेरी बॉडी अच्छी स्ट्रांग थी, वायरस थोड़ा इतना स्ट्रांग नहीं हो पाया हमारे सामने, हमने फाइट किया, हमने एंटीबॉडीज बनाई, जो वेपन्स होते हैं हमारे, हमारी बॉडी बनाती है जी उनको, हमने वो एंटीबॉडीज बनाई और वो एंटीबॉडीज से ही वायरस को भगा दिया और वो चला गया. तो मेरे बॉडी में अच्छा एंटीबॉडीज बन गई. मेरे जी घर में एंटीबॉडीज रेडी. ठीक है, अब ये चोर जाके सामने वाले के घर में जाता है.
अब सामने वाले के घर में थे ओल्ड कपल, एक ओल्ड बुढ़ा बुढ़ी थे सामने, और अभी उनके घर में चोर घुस गया। अब वो तो नहीं झगड़ पाएंगे ना, वो तो डंडा नहीं निकाल पाएंगे, सब नहीं कर पाएंगे। तो जब मेरी बॉडी, मेरे घर में एंटीबॉडीज रेडी है, तो मैं मेरी एंटीबॉडीज ही उनको दे दूं और उनकी मदद कर दूं वो करने में, इन्फेक्शन चोर से झगड़ने में। इसको बोलते हैं कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा की ट्रीटमेंट जो हो रही है। तो एक पेशेंट जो कोविड से रिकवर कर गया, उसने एंटीबॉडीज बना दी। अब वो एंटीबॉडीज को लेके हम एक दूसरे पेशेंट में डालते हैं जो कोविड, जिसको अभी अभी हुआ है और जिसको ऐसा सिवियर कोविड हुआ है कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत पड़ गई, तो उसकी मदद हम कर देते हैं वो एंटीबॉडीज से जो एक हील हुए वो पेशेंट ने ऑलरेडी बना के रखा है। ठीक है, तो कोविड पेशेंट के प्लाज्मा में ये एंटीबॉडीज आती है, तो ये प्लाज्मा लिया जाता है। तो प्लाज्मा लेने का भी एक अलग स्पेशल टेक्निक होता है, ये ब्लड डोनेशन जैसा नहीं होता है, एक अलग स्पेशल मशीन होती है जिसको फेरिसिस मशीन बोलते हैं, जिसपे वो डोनर को अटैच किया जाता है, उसमें से उसका ब्लड लेते हैं, उसमें से प्लाज्मा अलग कर लेते हैं, बाकी का ब्लड उसको लौटा देते हैं कि रखो तुम अपने पास, और सिर्फ ये प्लाज्मा लिया जाता है। तो एट ए टाइम अराउंड 400 ml, 450 ml कलेक्ट किया जाता है, और उसमें से दो बैग्स बनते हैं, यानी एक डोनर दो पेशेंट्स की मदद कर सकता है। ये जो प्लाज्मा उसने डोनेट किया, इसमें वो एंटीबॉडीज होती हैं जिससे जो उसने बनाई हुई है अपने कोविड फाइट करने के लिए। अभी ये उस पेशेंट को दिया जाता है जिसको कोविड है, लेकिन इसका भी बहुत स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। अगर अभी समझो वो चोर अभी अभी घुसा है, तो उसकी मदद ही प्लाज्मा से हो सकती है। अगर चोर एकदम ही कब्जा कर चुका है एंड काफी सिवियर इन्फेक्शन हो चुका है, उसके बाद प्लाज्मा का कोई रोल नहीं है। ऑफकोर्स गन्स वन्स अलग है, तो जिसके बाद वो बात अलग है, लेकिन ये छोटी मोटी एंटीबॉडीज का रोल तब नहीं आता जब काफी सिवियर कोविड हो चुका हो। तो जी ऐसी गाइडलाइंस आई हुई है आईसीएमआर से और गवर्नमेंट की सारी जो गाइडलाइंस है, दैट सेज कि अर्ली फेज ऑफ कोविड, यानी पहले 3 से 7 दिन ऑफ सिम्टम्स, आज मुझे बुखार हुआ तो पहले हफ्ते में ही आई शुड रिसीव कोविड, नहीं तो उसका ज्यादा फायदा नहीं है, मैक्सिमम 10 डेज अर्ली फेज जी में। तो ये होता है कोविड प्लाज्मा का ट्रीटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आपने मुझसे सवाल पूछा कि ये दे कौन सकते हैं, कौन कौन लोग को प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, तो और मैम आप ये स्पेसिफिकली आप। मुझे समझाएं, मैम आप हाँ ये मुझे समझाएं, उसके पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। आप अगर ऐसे चोर को समझाएंगे तो वो कभी चोरी नहीं करेगा वैसे। ठीक मैं अभी जाके आईसीयू में समझा के आती हूँ उसको, पूरा दिन यही करती हूँ मैं, पर आजकल के चोर बड़े म्यूटेंट होते जा रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा। सुनेंगे मैम, सुनेंगे तो जी। बताएं कि कौन ये आपका सवाल प्लाज्मा दे सकता है, एंड स्पेशली क्या मैरिड वुमेन भी प्लाज्मा दे सकते हैं? तो देखिए, अभी मैरिड वुमेन के टॉपिक पे हम आते हैं। पहले मैं आपको और सबको जो सुन रहे हैं ये लाइव शो, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि कौन कौन ये प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। ऑफकोर्स वो पेशेंट को कोविड होके जाना चाहिए, तभी उसके पास ये एंटीबॉडी होगी। तो कोविड होने का एक प्रूफ होना चाहिए, यानी उसका आरटीपीसीआर या एक एंटीजन टेस्ट, उसका कोई तो एक टेस्ट पॉजिटिव आया हुआ होना चाहिए, प्रूविंग दैट ही हैज हैड, ही और शी हैज हैड कोविड। दूसरी बात है कि वो खुद भी तो फिट होना चाहिए ना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। तो फिटनेस क्राइटेरिया में दो तीन क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि उसकी एज 18 to 60 years के बीच में होनी चाहिए, वेट उसका 50 kgs के ऊपर होना चाहिए, उसका हीमोग्लोबिन, बेसिक क्राइटेरिया ऑफ फिटनेस जो मैं बता रही हूँ, अनीमिया वगैरह उसको खुद को नहीं होना चाहिए ताकि वो दूसरे की मदद करने लायक हो। ठीक है, दूसरी बात है खुद कोविड से रिकवर हुआ होना चाहिए, मतलब कि उसको सिम्टम्स जाके एटलीस्ट 14 दिन तो हो जाने चाहिए, 2 weeks ऑफ सिम्टम फ्री उसका एक इंटरवल होता है जो बहुत जरूरी है, ताकि अगर वो खुद रिकवर कर चुका है तभी उसकी एंटीबॉडीज बहुत स्ट्रांग होंगी। ठीक है, तीसरी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि उसके पास खुद के पास कितनी एंटीबॉडीज है। अगर एक डंडा लेके वो आया है तो एक डंडे से तो कुछ नहीं होने वाला है, अगर उसके पास काफी सारे वेपन्स हैं तो एक एंटीबॉडी की टेस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं कोविड IgG IgM टेस्ट। पहले क्राइटेरिया में आया था कि इट शुड बी एटलीस्ट अबव 8, बाद में रियलाइज किया कि 8 की अबव भी हुई तो भी कोई ग्रेट नहीं है, अभी 13 का क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट 13 के ऊपर अच्छा उसका IgG लेवल होगा तो ही समझा जाएगा कि हाँ भाई तुम्हारे पास ऐसी कितनी तो भी वैल्यूएबल एंटीबॉडीज है जो दूसरे की मदद तो कर पाएगी, उससे कम अगर जी तुम्हारी है तो दूसरे की क्या ही मदद होगी, ऐसा ऐसा क्राइटेरिया है। तो ये सब ओके चीजें हैं ना। स्पेसिफिकली विमेन का बात जो करें अगर हम, तो मैरिड वुमेन, यानी एक्चुअली मैरिड वुमेन इज अ वेरी वेग क्राइटेरिया, क्राइटेरिया है इसकी, अगर एक विमेन को कभी भी लाइफ में कंसीव किया हो
ये नहीं, उन्होंने कभी भी, अगर उसको बच्चे नहीं भी हुए हो, सपोज फॉर सम रीजन का कोई अबॉर्शन हुआ हो या मिस कैरेज हुआ हो, मीनिंग कभी भी एक प्रेगनेंसी हुई और वो वट एवर वो प्रेगनेंसी का फ्यूचर था, पर अगर ऐसी वुमेन है तो उनका यूजली प्लाज्मा नहीं लिया जाता. इसका रीजन ओके एक्चुअली बहुत साइंटिफिक है. एक बहुत डीप साइंस है जिसका एक वर्ड में बोलती हूँ, जिसको बोलते हैं HLA. तो जैसे मैं आपको समझा रही हूँ एंटीबॉडी एंटीबॉडी एंटीबॉडी, वैसे ये प्रेगनेंसी की स्टोरी सडनली प्लाज्मा में कहाँ से आ गई, वो भी मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ. देखिए, जब एक बेबी बनता है तो एक मदर का सेल आता है, एक फादर का सेल आता है, उससे एक बेबी बनता है. ठीक जी है. अब फादर का सेल तो मदर की बॉडी के लिए एक आउटसाइड सेल ही हुआ ना, तो मदर की सही बॉडी बात। में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है. इससे मदर की बॉडी को या बेबी की कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ये एंटीबॉडी लेके आप किसी तीसरे को दे देंगे तो उसको नुकसान होने का चांसेस बहुत हाई होता है, स्पेशली लंग डैमेज. एक साइंटिफिक वर्ड है जिसको बोलते हैं ट्राली, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड अक्यूट लंग इंजरी. यानी अगर आप ऐसी वुमेन जिसको एंटीबॉडीज बनी हुई है अगेंस्ट, जो एक प्रेगनेंसी में एंटीबॉडीज बनती हैं विच आर नॉट यूजली हार्मफुल, पर अगर आप वो एक जी तीसरे इंसान को देंगे तो उसको लंग डैमेज होने का चांसेस हाई रहता है. और कोविड में तो लंग की बीमारी है, उसमें और आपने ऐसी एंटीबॉडीज डाल दी तो आप मदद तो नहीं, आप तो ज्यादा नुकसान ही कर देंगे. सच इनफैक्ट बात। ICMR की एक स्टडी हुई है जिसमें ऐसा देखा गया है कि जिनको एक से ज्यादा बच्चे हुए हैं, ऐसी वुमेन की प्लाज्मा से 20% कोविड पेशेंट्स और ज्यादा सिवियर हो गए थे. सो इट इज केप्ट, इट इज, आई मीन देयर इज अ वेरी डीप साइंस बिहाइंड इट, बट दैट इज व्हाई नल्लीपैरिस वुमेन का प्लाज्मा इज यूजुअली अवॉइडेड. अब मेरे को एक बात बताइए, एक लड़की जाएगी ब्लड बैंक में कि मेरे को प्लाज्मा डोनेट करना है, उनसे पूछेंगे कि आपको बेबीज हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कोई ये पूछेगा कि आपको कोई अभी अबॉर्शन हुआ है क्या, कोई मिसकैरेज हुआ है क्या? इतना डिटेल में हिस्ट्री ना कोई बताता है ना कोई पूछता है. इसलिए एज अ पूछता जनरल नहीं। अम्ब्रेला रूल, इंडिया में स्पेसिफिकली, अब्रॉड ऐसा नहीं होता, अब्रॉड के रूल्स अलग हैं, बट इंडिया में स्पेसिफिकली एक ब्रॉड अम्ब्रेला कैटेगरी कर दी गई है, इसलिए विमेन का प्लाज्मा यूजली वो लोग अवॉइड कर रहे हैं. बट अगर सपोज इमरजेंसीज हैं, देयर इज अ जेन्युइनली नली पैरिस विमेन, तो उनका प्लाज्मा लिया जा सकता है, प्रोवाइडेड उनका हीमोग्लोबिन अच्छा है, वेट अच्छा है, वो सब बाकी क्राइटेरिया भी होती हैं, वो सब में अगर वो जी बैठ गई तो प्लाज्मा यूज किया जा सकता है. हमारी एक व्यूअर हैं निवेदिता सिंह, वो पूछ रही हैं अ श्योर. लेडी विथ थायराइड इज अनेबल टू डोनेट ब्लड, कैन शी डोनेट प्लाज्मा? आई थिंक शी कांट, व्हाट डू यू से मैम? या तो वही मैं बता रही हूँ, खुद में अगर फिटनेस होगी, यानी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, कोई भी चीज के लिए अगर आप गोलियां ले रहे हैं या आप में खुद में वो बीमारी है, तो आप दूसरे की मदद से ज्यादा उनका नुकसान करेंगे, क्योंकि आपकी ब्लड में वो मेडिसिन या वो बीमारी ऑलरेडी है. तो इसलिए दोज पीपल आर यूजली अवॉइडेड एज अ डोनर, इवन फॉर ब्लड, इवन फॉर प्लाज्मा. मैम, एनी रिस्क प्लाज्मा डोनेट करते वक्त या करने के बाद कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स या रिस्क होते हैं? सो देखिए, प्लाज्मा जो डोनेट किया जाता है, मैंने बताया कि सिर्फ 500 ml लिया जाता है. 500 ml इज एक्चुअली अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी जो हमारी ब्लड में होता है प्लाज्मा, वो 5 लीटर के आसपास होता है, उसमें से हम 500 ml लिए, तो ऐसे पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता. कोई कोई लोग बोलते हैं हमारी खुद की इम्यूनिटी तो चली जाएगी ना उससे, अगर हमने हमारी एंटीबॉडी दूसरे को दे दी तो हम तो विदाउट इम्यूनिटी रहेंगे, विच इज अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट. क्योंकि जो हमारी एंटीबॉडीज हैं उसका लेस देन 10% आप डोनेट कर पाएंगे, आप चाहे भी तो उससे ज्यादा नहीं कर सकते. और आप खुद, क्योंकि आपकी बॉडी में अभी अभी ये इन्फेक्शन हुआ है, तो यू कीप मेकिंग दोज एंटीबॉडीज, तो दो एंटीबॉडीज विच यू आर डोनेटिंग विल बी रेप्लेनिश्ड इन लेस देन 48 आवर्स. तो ये मिथ है. बाकी हाँ, अभी कभी कभी किसी को होता है कि प्लाज्मा डोनेट किया तो थोड़ा चक्कर आता है, बीपी लो होता है, ये स्मॉल साइड इफेक्ट्स होते हैं जो इमीजिएटली करेक्ट भी हो जाते हैं, बट दीज आर नथिंग कंपेयर टू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाज्मा डोनेशन. मैम, मिस्टर महेश कृपलानी इज अप्रिशिएटिंग द वे यू आर शेयरिंग। आई थिंक आई एम श्योर ही इज योर फादर, बट देन देर इज दिस क्वेश्चन ऑल्सो ही इज आस्किंग। ओके, सो द क्वेश्चन अच्छा, इज नहीं एग्जाम देना कौन बताता है कि सबको. नहीं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि विल द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इन कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा बी इक्वली इफेक्टिव अगेंस्ट वेरियंट्स ऑल्सो? अब देखिए, ये बहुत डीप सवाल है. कहने का मतलब, अभी हमको मालूम है कि कोविड पहले आया, अब उसका वेरिएंट, यानी वो म्यूटेंट भी हो गया. ये वायरस की फितरत होती है. एक वायरल जी वायरस इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ, म्यूटेंट होने का बहुत
इजीली वो कर सकता है. तो अब इट डिपेंड्स ऑन कौन सा म्यूट, मेरे को कौन सा वेरिएंट आया था कोविड का. अगर मेरे को समझो समझो मेरे को एक्स वाई जेड म्यूटेंट आया था, तो मैं एक्स वाई जेड के ही अगेंस्ट एंटीबॉडी बना पाऊंगी. फिर मेरे को एबीसी म्यूटेंट आएगा तो उसके अगेंस्ट मेरा प्लाज्मा इफेक्ट नहीं रहेगा. बट इसके अगेंस्ट कोई भी स्टडी एज सच नहीं की गई है. और प्लाज्मा एज सच एक बहुत अर्ली ट्रीटमेंट है, और इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट ऑल्सो, इट इज अ सपोर्टिव इमरजेंसी ट्रीटमेंट. तो म्यूटेंट का अगर एक सिवियर म्यूटेंट है मेरे अंदर, तो उसमें प्लाज्मा एक्ट करेगा कि नहीं करेगा. इनफैक्ट अगर वही सेम वेरिएंट है उसमें भी प्लाज्मा इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, दैट नोबडी कैन से. इनफैक्ट आई मीन आई शुड नॉट से दिस, बट कोविड कन्वर्जेंट प्लाज्मा का इफेक्टिविटी, इट हैज शोन गुड रिजल्ट्स, इट हैज शोन बैड रिजल्ट्स, एंड इट हैज शोन एवरीथिंग इन बिटवीन. तो किसी को असर करता है, किसी को नहीं भी करता है. वो सेम म्यूटेंट हो, डिफरेंट म्यूटेंट हो, दैट नोबडी कैन से कि उसको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा. तो मैम प्लाज्मा का रोल कहाँ से शुरू होता है? मतलब आपका आरटीपीसीआर आया, आप नेगेटिव हुए, आपका एचआरसीटी आया, आप फॉर एग्जांपल आप 15 प्लस एचआरसीटी हुआ आपका, आप एडमिट हुए, आपको ऑक्सीजन लेवल का प्रॉब्लम है, आपका ऑक्सीजन नॉर्मल आया, आप 17 दिन यू नो हॉस्पिटलाइज रहे, उसके बाद आप घर आए, अभी भी आपको कहीं ना कहीं आपका लंग तो इन्फेक्टेड है ही. प्लाज्मा का रोल कहाँ पर आता है? वेयर शुड पीपल देखो स्टार्ट आप... इतने सारे चीजें हो गई, इन सब चीजों इस स्टेज पे तो प्लाज्मा का कोई रोल ही नहीं है. अभी अगर वो अच्छा. आपको बुखार आया, आपने आरटीपीसीआर किया उसी दिन और आप हॉस्पिटल में भर्ती हो गए. समझो मेरे को, मेरी उम्र 60 साल की है, मुझे डायबिटीज भी है, मुझे हार्ट डिजीज भी है, मुझे सब कुछ है, और मेरे को बुखार आ गया, और मैंने टेस्ट कराया और मेरे को कोविड निकला, और मेरे को बोला कि अभी तुमको बुखार भी है, तुमको सैचुरेशन भी मेंटेन नहीं हो रहा है, तुम्हारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है, चलो भर्ती हो जाओ. मैं भर्ती हुई, आज से लेके अगले 7 दिन तक ही मेरे को प्लाज्मा का रोल है तो है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है. ओनली इन दी अर्ली स्टेजेस, 10 दिन बाद जब मेरे को और सिवियर कुछ हो गया, मेरा लंग भी इन्वॉल्व हो गया, सब हो गया, उसके बाद तो कोविड का प्लाज्मा का तो कोई रोल ही नहीं है. इट इज ओनली इन द अर्ली स्टेजेस. अभी चोर जिस घर में घुसा हो तभी आप अपने डंडे यूज कर सकते हैं, उसके बाद जब वो अंदर आपके लॉकर में घुस गया उसके बाद नहीं कर सकते आप कुछ. ठीक है, तो मैम मुझे ये चोर वाला एग्जाम्पल बड़ा अच्छा लग रहा है आपका, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा आपसे कि मैम ये मैं पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछ रहा हूँ. अब अगर पेशेंट को थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड यू नो शुगर का प्रॉब्लम है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये कब से शुरू होता है? अब नॉर्मल के लिए तो आपने बोला कि 6 दिन में शुरू हो जाना चाहिए, 6 दिन तक ही वो इफेक्टिव रहता है. ये सब पेशेंट्स के लिए कब वो रोल यू नो आता है? ये ही सब पेशेंट्स को जब बुखार आता है तभी उनको एडमिट किया जाता है. जो देखिए, एक तो कोविड का ऐसा है कि कोविड एवरी बॉडी के साथ अलग बिहेव हो रहा है. मतलब इवन यंग पेशेंट, स्ट्रॉन्ग फिट एथलेटिक पेशेंट्स को भी कोविड सिवियरली इफेक्ट कर रहा है. इनफैक्ट अभी आप अगर पेपर में पढ़ रहे हैं तो इवन 101, 102 वाले भी निकल के आ रहे हैं कोविड से. तो कौन सा पर्सन, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. सो वी कैन नॉट जनरलाइज कि हाँ भाई तुम्हारा हार्ट डिजीज है, तुम्हारा 60 प्लस है, तुमको ये सब चीजें हो गई तो तुम अभी गए, तुमको कोविड हुआ, तुम हॉस्पिटल में जाओगे और हॉस्पिटल से वापस आओगे क्या? ये यू कैन नॉट जनरलाइज. जो एक्चुअली सब लोग कर लेते हैं, यू मे नॉट लाइक इट, बट सब लोग अभी आज कोई 70 इयर्स का विद 4-5 बीमारियों के साथ हॉस्पिटल में जाएगा तो सबको ये डर लगता है कि वापस आएगा कि नहीं. बट हॉस्पिटल में एडमिट होने के भी क्राइटेरियाज हैं. और जो आप मुझसे पूछ रहे हैं जैसे थायराइड है, बीपी है, ये सब लोगों को कब प्लाज्मा देना चाहिए, कोई भी पेशेंट हो जिसको अर्ली स्टेज, जिसको जस्ट सिम्टम आने शुरू हुए हैं, उसका सैचुरेशन 93 से नीचे गिरने लगा है, उसको रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने लगा है, रेस्पिरेटरी रेट सांस लेने में जब तकलीफ होती है तो करके वो कोशिश करता है, तो उस तरीके से उसका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने लगता है जो 24 के ऊपर जाने लग गया हो, ऐसे क्राइटेरियाज में उसको एडमिट तो कर ही देते हैं. ऐसे पेशेंट्स को वेदर ही हैज अदर कोमोबिडिटीज, थायराइड, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब हो या ना हो, अर्ली स्टेजेस में आप सपोर्ट करने के लिए उसको, अब वो उनको और इम्यूनिटी देने के लिए आप कोविड कन्वर्जेंट प्लाज्मा देते हैं.
दिस इज नॉट अ श्योर शॉट ट्रीटमेंट ऑल्सो. मैं आपको ये भी बता दूं कि कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा आज कोविड के लिए नहीं डिस्कवर हुआ, ये 1918 से चालू है, जब वो इन्फ्लुएंजा के पैंडमिक्स आए हैं, स्वाइन फ्लू के पैंडमिक. थेरेपी हैज बीन सीन टू सपोर्ट द ट्रीटमेंट, इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट इन इट सेल्फ. तो एज अ सपोर्टिव केयर तो शुरू मैम, कर ही देते हो. मैम ये सवाल मैं भी पूछने वाला था, मोनिका मैम ने भी अभी पूछा कि आर देर एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ डोनेटिंग प्लाज्मा, जैसे वैक्सीन कोई लेने जा रहा है तो उसको जैसे ही उसको वो वैक्सीन मिल रहा है वो उसको साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, मतलब बुखार हो रहा है या सर दर्द हो रहा है, तो जैसे वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स हैं, क्या प्लाज्मा डोनेट करने के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं? नहीं, प्लाज्मा डोनेट करने का एक छोटा सा साइड इफेक्ट कुछ कुछ पेशेंट्स को होता है, विच इज उनको, क्योंकि उनकी बॉडी से फ्लूइड लॉस होता है तो दे माइट फील अ लिटिल डिजी, ब्लड प्रेशर थोड़ा ड्रॉप हो सकता है, इसलिए उनको डोनेट करने के बाद थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, दे मेक श्योर कि उनको ही इज जनरली ऑल राइट. एंड आफ्टर दैट वो भी कुछ कुछ लोगों को होता है, दोज हु आर इन जनरल डिहाइड्रेटेड या उनका प्रेशर इज ऑन द लोअर साइड, उनको ये साइड इफेक्ट्स काफी कॉमनली देखा जाता है. अदरवाइज देर आर नो मेजर साइड इफेक्ट्स टू फॉर डोनेटिंग प्लाज्मा एंड ब्लड ऑल्सो फॉर दैट मैटर. मैम, एक व्यक्ति कितनी बार प्लाज्मा डोनेट कर सकता है? बंगाल में एक डोनर है जिसने आई थिंक अभी तक 50 times कर दिया है डोनेट. सो यू कैन डोनेट एवरी 15 days. क्यों क्यों आप डोनेट कर सकते हैं एवरी 15 days? क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको एक स्पेशल मशीन होती है, फेरेसिस मशीन, जिस पर अटैच किया जाता है, आपका ब्लड लेते हैं, उसमें से प्लाज्मा अलग करते हैं, बाकी का ब्लड आपको लौटा देते हैं. तो जब बाकी का ब्लड आपको लौटा जी ही रहे हैं और प्लाज्मा तो आप जल्दी जल्दी रेप्लेनिश होने ही वाला है, तो आप एवरी 15 days में आप डोनेट कर सकते हैं. मैम, अच्छा, प्लाज्मा का रीजेनरेशन? दिस इज प्रोवाइडेड आपको कोविड होके, यू कैन डोनेट अप टू 3 months, उसके बाद तो आपके एंटीबॉडी लेवल भी कम होने लग जाएगी. सो आपका एंटीबॉडी लेवल जी, भी कितना टाइम तक मेंटेन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, पर अप टू 3 months सिंस यू टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड. ओके। सो मैम, रीजेनरेशन की जो बात है, आपकी बॉडी में रीजेनरेशन ऑफ जी प्लाज्मा, वो कितने दिनों में जी होता है? इमीडिएटली विद इन 24 hours, 24 to 48 hours मैम, इतने प्लाज्मा जल्दी तो टाटा रीजेनरेशन नैनो होता भी नहीं बनती। है. टाटा नैनो जितनी गन्स तो नहीं मांग रहे ना, तो बहुत छोटी बात है प्लाज्मा. ये भी सही बात है। मैम, जब यू नो व्हाट, मैं चाहता हूँ आप हमें ये बताएं, व्हाट आर द टिप्स यू नो यू लाइक टू गिव इट फॉर द सेफ प्लाज्मा डोनेशन? ये मेरा आखिरी सवाल प्लाज्मा होगा। डोनेशन, नहीं आप आखिरी सवाल पूछो, उसके पहले मैं एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ. यू बिल्कुल नो बोलिए मैम। आप लोग, सब लोग इतना दिस टॉपिक, टुडेज टॉक इज बेस्ड ऑन प्लाज्मा, बट नॉट एवरीबडी इज फिट एज अ प्लाज्मा डोनर, क्योंकि मैंने बताया बहुत सारी क्राइटेरिया है कि कोविड से रिकवर होके हमारे अंदर भी उतनी एंटीबॉडी, एंड 13 के ऊपर एंटीबॉडीज आना सबका नहीं होता है. बहुत लोगों को जी अच्छा खासा कोविड हो गया हो तो भी उनकी एंटीबॉडीज नॉर्मली होती है. सो वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली फिट द क्राइटेरिया एज एन एलिजिबल डोनर फॉर कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा, बट इट इज इम्पॉर्टेंट. अब बहुत एक सिंपल सी बात है जो बहुत लोग स्किप कर जा रहे हैं, इज सिंस यू आर वी आई मीन आई एम टॉकिंग टू एन एंथुजियास्टिक क्राउड, यू शुड कंसिडर डोनेटिंग ब्लड इन सच टाइम्स. आज एक ब्लड बैंक जो एक प्रिंसिपल पे चलता है, जिसका जिसको बोलते हैं वॉलेंटरी वॉलेंटरी डोनेशन, आज कोई हॉस्पिटल आके ब्लड डोनेट नहीं करना चाहता बिकॉज सब हॉस्पिटल आने से डरते हैं. हॉस्पिटल ब्लड बैंक्स आर रनिंग शॉर्ट ऑफ ब्लड, एंड इतना ब्लड जाता है, पूरा हॉस्पिटल आईसीयू इज फुल, एंड अदर पेशेंट्स आर ऑल्सो स्टिल देयर. इमरजेंसी सर्जरीज आर हैपनिंग, कीमोथेरेपीज आर हैपनिंग, कार्डियक केसेस आर कमिंग इन, सेप्सिस हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहे हैं, सब चीजें हो रही है. तो ब्लड बैंक इज स्टिल एक्टिवली रनिंग, बट देर आर नो डोनर्स कमिंग टू टू डोनेट ब्लड. प्लाज्मा तो चलो आप कोविड की ट्रीटमेंट के लिए बात कर रहे हैं, बट ब्लड तो आप डोनेट कर ही सकते हैं ना, तो प्लीज कंसिडर डोनेटिंग ब्लड एज वेल. इफ यू आर नॉट एन एलिजिबल प्लाज्मा डोनर, यू कैन बी एन एलिजिबल ब्लड डोनर. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैम, मैसेज दैट आई एक वॉन्ट टू गिव एवरीबडी टूडे. मैम एक एक और बात जो यू नो हमारी व्यूअर ने आपसे पूछा, करुड़ी आहुजा देख रहे हैं, उन्होंने आपसे पूछा कि कैन अ वैक्सीनेटेड पर्सन बी अ प्लाज्मा डोनर? आई आई वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। देखिए मैंने आपसे क्या बताया कि एंटीबॉडी लेवल 13 के ऊपर होना चाहिए तभी आप एलिजिबल डोनर होंगे. अगर आप किसी वैक्सीनेटेड इंसान का एंटीबॉडी लेवल देखेंगे ना, वो 200 300 ऐसे 100 के वैल्यूज में होगा, इतना हाई एंटीबॉडी हो जी जाता है. सो ऑफ कोर्स अ जी वैक्सीनेटेड पर्सन कैन डोनेट, पर वो एंटीबॉडीज जो उसको वैक्सीन से मिली हैं,
वैक्सीन्स का भी एक अलग टॉपिक है एक्चुअली इफ यू सी, पर वैक्सीन बेसिकली यही करता है कि एक डेड वायरस या एक वायरस का एक पार्ट हमारी बॉडी में डाल देता है, जिससे हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है. तो वही जी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी बना लेती है, और इतनी बनाती है कि हम खुद इम्यून रहते हैं. एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स वी थिंक वी विल बी इम्यून फ्रॉम कोविड वायरस. पर वो 200-300 वाली जो वैल्यूज होती है, तो वैक्सीनेटेड पर्सन कैन डोनेट ब्लड. बट आप ये भी समझें कि वो दोनों शॉट ऑफ वैक्सीन होके उसको भी एटलीस्ट 15 डेज हो जाने चाहिए. आज ऐसे कितने लोग हैं जिनका दोनों शॉट ऑफ वैक्सीन होके 15 दिन हो गया हो. इंडिया में तो बहुत, जी अफकोर्स मेडिकल स्टाफ एंड जिनका फर्स्ट राउंड में हो गया वो अलग बात है, बट 45 यानी 18 to 60 एज ग्रुप में बैठते हो, ऐसे कितने लोग हैं जिनका सब वैक्सीनेशन होके 2 हफ्ता हो गया हो. ऐसे बहुत कम लोग हैं, मतलब इट इज बहुत कम, ट्रू लेस देन 20% ऑफ आवर पॉपुलेशन. सो मैम, दिस इज अंडर स्टडी, अभी कोई भी रैंडमाइज ट्रायल्स तो हुआ नहीं है, बट वैक्सीनेटेड पर्सन कैन श्योरली डोनेट प्लाज्मा फॉर कोविड पेशेंट. तो मतलब जो लोग प्राइवेट डॉक्टर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बहुत ज्यादा फीस भर रहे हैं इस वक्त, उनसे वो लोग डॉक्टर्स से प्लाज्मा भी ले सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया, रिटर्न गिफ्ट मैम। हमारे हॉस्पिटल में हम सब ने एक एक बार ब्लड डोनेट कर दिया है, क्योंकि ब्लड ही नहीं है ब्लड बैंक में, और ओके रोज ऐसी रिक्वायरमेंट आ रही है. तो प्लाज्मा के लिए तो हर कोई नहीं सूटेबल है, लेकिन हम सब ब्लड तो बहुत रेगुलरली डोनेट करते हैं, क्योंकि हम ही हॉस्पिटल में बैठे हैं और तो कोई आ ही नहीं रहा. सच बात मैम। V7 फाउंडेशन ये जो इनिशिएटिव ले रहा है आस्किंग पीपल टू डोनेट प्लाज्मा, वुड यू लाइक टू यू नो शेयर योर व्यूज ऑन इट? I began my talk with that. It is very nice to see that a part of the general people who actually, I don't know whether they are getting enough credit for what they are doing. Everybody is scared to step out, but if they are stepping out for someone who they don't even know, for strangers to help them out, it is really creditable and it's very nice to hear. I was just before we started talking, I was listening to Monica Auntie talk about how she's helped since the first wave, how the entire organization. So I would, I mean, very touched, and I would like to encourage them if there's any help that they need from me or from any my colleagues or from any side of the medical fraternity. I'll try my best to help in whatever capacity I can. But like one thing, like today's talk made me realize that nobody knows about blood donation. Uska significance log bhool gaye abhi, because plasma donation is now suddenly the in thing. So that is why these small, small things, if they want to discuss, they want to have a scientific aspect of that, I'm always available. But kudos to them. I would like to salute V7 Foundation. मैम आपने अपना वक्त दिया, मैं ये बिल्कुल बात समझ पा रहा हूँ कि आप यू नो ब्रिज कैंडी जैसे यू नो इतने हाईली यू नो अप्रिशिएटेड या बहुत बड़े अस्पताल में आप काम कर रही हैं, वहाँ पर इतनी बड़ी जगह पर बैठी हैं, और फिर भी आपने अपना वक्त दिया। आई थिंक दिस इज अ गिव अवे जो आप दे रही हैं टू द नागपुर सिटी, एंड आई एम श्योर पीपल ऑफ नागपुर रियली मिस यू एंड थैंक यू। I am missing Nagpur. I've been wanting to come home for a very long time. But then डोंट I कम was मैम, told स्टे that देयर देखो, और आप कम और हम स्टे बराबर ही देयर। है. जो यहाँ है वही सेम वहां पे भी चल रहा है, कोई फर्क नहीं है. बट वेन आई रियलाइज कि कितने क्वेश्चंस होते हैं, अभी आज यही बात हो रही है कि गवर्नमेंट ने ऐसी कोई गाइडलाइंस ही नहीं इशू की है. देर इज नो गवर्निंग बॉडी जो आम जनता को समझा सके ऑफ थिंग्स वाई दे आर इम्पोर्टेंट, हु कैन डू वॉट एंड वेन नॉट. सो इफ देर आर क्वेश्चन, आई एम ऑलवेज फ्री टू आंसर देम. वेन मोनिका आंटी टोल्ड मी दैट शी वॉज कंफ्यूज वेन मनाली पैरिस वेमेन वर बींग रिजेक्टेड फॉर प्लाज्मा डोनेशन, आई थॉट कि अरे हाँ, ये तो कितनी सिंपल सी बात है, बट पीपल डोंट नो इट एंड देर कमिंग आउट ऑफ द वे टू हेल्प एंड देन सडनली देर बींग रिजेक्टेड. सो दीज सिंपल ब्रिजेज, इफ देर आर एनी मोर, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू विथ योर क्वेश्चन, एंड इट इज माई प्लेजर. प्लीज यू डोंट हैव टू थैंक मी फॉर इट. No, ma'am. Really, thank you so much for all the time and all the knowledge you gave us. Thank you so much. My pleasure. Well, Dr. Deepsha Suvarna ने हमसे बात करी। अभी ब्रिज कैंडी मुंबई में काम कार्यरत है वो, और बहुत अच्छा काम कर रही है, और शायद जितनी सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने हमें इस वक्त दी ऑन द प्लाज्मा डोनेशन, आई गेस वो अपने आप में बहुत सराहनीय है। उन्होंने बताया कि बंगाल में कोई है जिन्होंने अब तक 50 बार ब्लड डोनेशन किया है, लेकिन जहां नागपुर में लोग प्लाज्मा डोनेट करने में बहुत पीछे
होते जा रहे हैं, वहीं पर एक लड़की बिल्कुल तलवार स्वरूप निकल कर आती हैं, और क्या कहें मतलब तलवार स्वरूप इसलिए निकल कर आती हैं और जो रेगुलर ट्रेडिशन है उसको तोड़कर एक लड़की दो बार प्लाज्मा डोनेट करती हैं, और वो इस वक्त मेरे साथ है, मेरे साथ इस वक्त आकांक्षा तलवार। हाय आकांक्षा। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? यू टेल मी, दो दो बार प्लाज्मा डोनेशन किया, पहले तो ये बताइए कि आपको कोविड कब हुआ? मुझे कोविड पिछले साल नवंबर में हुआ था, तो नवंबर मिड नवंबर में मैं रिकवर हो गई थी, और उस टाइम में एक्चुअली मैं दिल्ली में थी। उसके बाद मैं और मेरे डैड हम बाय रोड वापस आए नागपुर, बिकॉज ऑब्वियसली फ्लाइट कम्युनिकेशंस बंद हो चुके थे। राइट जी। तो बस नवंबर में हुआ था, एंड देन उस टाइम पे तो उतनी एंटीबॉडीज थी नहीं, बिकॉज मैंने डोनेट करने के पहले तीन बार एंटीबॉडी टेस्ट कराया था। अच्छा। हाँ, तो स्टार्टिंग में 6 से स्टार्ट हुआ था मेरा, मतलब फर्स्ट टेस्ट जब कराया था तो 6 एंटीबॉडीज थी, देन थर्ड टेस्ट में 11 आई थी, एंड आई थिंक उस टाइम पे जैसे डॉक्टर दीप्षा ने कहा कि उस टाइम 8 के अबव आप डोनेट कर सकते थे, तो तब फिर मैंने फर्स्ट टाइम उसके बाद डोनेट किया। और ये जो पूरा का पूरा थॉट था कि मैंने एक बार डोनेट कर दिया, ये डोनेट यू नो डेफिनेटली मैंने प्लाज्मा डोनेट किया तो किसी ना किसी को मदद करेगा, किसी की जान बचाएगा, दूसरी बार डोनेट करने का ख्याल कहाँ से आया? दूसरी बार ऐसा था कि आई मीन हम नागपुर में स्पेशली इतना कोविड स्प्रेड हो चुका है कि आजकल ये है कि आप जिनको जानते हो उनको भी कोविड हो रहा है जी। तो दूसरी बार एक्चुअली ये हुआ कि हमारे काफी क्लोज एक रिलेटिव हैं, थे सॉरी टू से, बट ही वॉज 80, तो उस टाइम पे उनको कोविड हुआ, एंड ही वॉज वेरी लाइक वही एडमिट हुए, एंड उनको प्लाज्मा रिक्वायर्ड था, एंड वही जैसे डॉक्टर दीप्षा ने कहा कि लोग नहीं आगे आ रहे हैं, लोग प्लाज्मा डोनेट नहीं कर रहे हैं, तो प्लाज्मा अवेलेबल नहीं था उस टाइम। तो हमें पता जब लगा मुझे और मेरे पापा को, तो हमने कहा कि चलो हम एटलीस्ट हमारे बाकी लोग तो ठीक है, बट अगर हमारे घर में किसी को जरूरत है तो हमें करना ही चाहिए हेल्प। तो हमने बस तब सेकेंड बार तब मैंने डोनेट किया। तो जब आप पहली बार डोनेट करने के लिए जा रही थी तो डिड यू कंसल्ट अ डॉक्टर, जिन्होंने आपको कुछ यू नो डूज एंड डोंट्स बताए, कोई चीज ऐसी कि खान पान में किस किस्म का ख्याल रखना है या यू नो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। मैं एक्चुअली पहले काफी बार ब्लड भी डोनेट कर चुकी हूँ, तो मुझे पता था कि मतलब आप अगर आप हेल्दी हो, आप अगर आप फिट फील कर रहे हो तो आप डोनेट कर सकते हो। एंड मेरे फादर एक बार पहले डोनेट कर चुके थे तो क्योंकि उनकी एंटीबॉडी ज्यादा थी, तो जब वो सेकेंड टाइम डोनेट करने गए तो मैंने कहा कि मैं भी डोनेट करती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ चेंजेस खाने में या कुछ आपको करने की जरूरत है, मतलब नॉर्मल जैसे आप हम खाना खाते हैं काफी न्यूट्रिशनस खाना ही होता है, रोटी सब्जी जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ अलग करने की जरूरत है प्लाज्मा डोनेट करने के पहले या बाद में, और ऐसा तो मैंने कंसल्ट नहीं किया। बस वहां जाके आपका पहले टेस्ट होता है एंटीबॉडी टेस्ट, एंड उसके बाद अगर आप 10 के अबव या जो भी अभी क्राइटेरिया है 13 के अबव होता है तो देन वो आपका प्लाज्मा ले लेते हैं। डू यू विश टू डोनेट अगेन? आई डू, बट आज ही एक्चुअली आई गॉट माय सेल्फ वैक्सीनेटेड, तो जैसे डॉक्टर दीप्षा ने कहा कि अब आई कैन डोनेट इट आफ्टर 15 डेज और व्हाटएवर, तो डेफिनेटली अगर I am able to donate it, so why not? लोगों को कोरोना वायरस हुआ, लोग इन्फेक्ट हुए, लोग ठीक हुए, लोगों के अंदर में एंटीबॉडीज बन गई, प्लाज्मा डोनेट करने की पूरी काबिलियत है, लेकिन लोग कर नहीं रहे, क्या वजह मानती है उसको? मेरे को लगता है कि लोग अवेयर नहीं है, क्योंकि वही जैसे डर है कि पता नहीं प्लाज्मा डोनेट करने से क्या होगा, वीकनेस तो नहीं हो जाएगी या कोविड फिर से तो नहीं हो जाएगा, या फिर जो भी कि हम कर सकते हैं या नहीं, ये भी डाउट्स हैं। तो आई थिंक आई होप कि काफी कुछ तो क्लियर हो गए हों लोगों को अभी डाउट्स, एंड लोग आगे आके डोनेट करें प्लाज्मा। यू वुड लाइक टू गिव अ मैसेज टू ऑल द पीपल हु आर वाचिंग योर शो और हु विल वॉच द शो लेटर कि क्यों किसी ने प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए? मुझे लगता है कि अभी जो हालत है हमारे देश की या हमारी सिटी की या हमारे घर में जो हालत है, तो लोगों को काफी हेल्प की जरूरत है, और डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स तो हेल्प कर ही रहे हैं, बट हम जितना कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए, और आई थिंक इस टाइम पे हम सबसे ज्यादा यही हेल्प कर सकते हैं कि अगर किसी को कोविड हुआ है तो आप प्लाज्मा डोनेट करो, और किसी की लाइफ अगर आप सेव कर सकते हो तो वो सबसे बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि उसके अलावा तो आजकल
और कोई तरक्की की हेल्प काफी मुश्किल है क्योंकि हम सब घर पे हैं, लोग फाइनेंशियली भी इतने स्ट्रांग नहीं है तो इतना डोनेशन नहीं कर रहे हैं, बट प्लाज्मा आई थिंक सब डोनेट कर सकते हैं और करना चाहिए। एक चीज जो आप उनसे कहना चाहती हैं जो इस वक्त क्वारंटाइन है और लड़ रहे हैं कोरोना वायरस से, लेकिन उनको पता है कि आने वाले दिनों में वो ठीक हो जाएंगे और उनके अंदर में प्लाज्मा तैयार हो जाएगा, उनसे आप क्या कहना चाहती हैं? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आप जो आपका अभी एक्सपीरियंस है जो आप कोविड के थ्रू जा रहे हैं तो उस पे आप सोचें कि आपको कितनी डिफिकल्टी हो रही है एंड और लोगों को कितनी डिफिकल्टी हो सकती है जो ओल्ड हैं या जिनको और कोई बीमारी है या मतलब बीमारी नहीं भी हो कि भी अगर वो काफी सीरियस है तो अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। अब अथॉरिटीज की अगर हम बात करें, हम एनजीओ की बात करें, V7 की बात करें, किस किस्म का एक सपोर्ट आपको मिला, किस किस्म से अगर किस तरह से इंस्पायर करते हैं ये लोग आपको? हाउ हाउ वाज द ट्रीटमेंट? डिड दे ट्रीट यू वेल? यस डेफिनेटली इफ दे डिडंट देन यू कैन ऑलवेज से इट ऑन द नो कैमरा। जब जो मैं वहां जगह है पे जहां पर आप डोनेशन करने जाते हैं, वो यस जगह की स्वच्छता, वो जगह का सैनिटाइजेशन, हर चीज का ध्यान रखते बिल्कुल मैंने लाइफलाइन ब्लड बैंक है यहाँ पे नागपुर में वहां पे डोनेट किया था जी? प्लाज्मा एंड स्टाफ एंड डॉक्टर्स एंड जो पूरी फैसिलिटी थी काफी अच्छी थी और सब कुछ सैनिटाइज था एंड सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे थे वो एंड ऐसा कुछ भी नहीं था। और मतलब वही आपको पूरा ध्यान देते हैं, पूरे टाइम आपके पास होते हैं, लाइक उन्होंने मशीन्स लगा रखी हैं जो आपका प्लाज्मा ले रहे हैं बट वो हम पूरे टाइम आपको मॉनिटर करते हैं, आपसे बात कर रहे होते हैं कि अगर आपको कुछ अलग फील हो रहा है, आपको डिजीनेस हो रही है या कुछ है, एंड काफी पोलाइट और मतलब काफी अच्छा स्टाफ है। सो And they also allow you to take selfies. हाँ दे डू दे डू They do. दे डू Okay. NVCC के चीफ अश्विन अग्रवाल मिहाड़िया जी आपको देख रहे हैं, कहते हैं डोनेशन ऑफ प्लाज्मा इज अ नोबल कॉज एंड पीपल आर रियली सल्यूटिंग यू विद द काइंड ऑफ इनिशिएटिव यू टुक। आई थिंक आपके जैसे लोग जब सोसाइटी में आते हैं और लोगों तक ये बात पहुंचती है कि इस तरीके से भी चीजें सोची जा सकती हैं जो शायद नहीं सोची जा सकती थी, लेकिन आपने उस सोचा, शहर के बारे में सोचा, शहर के लोगों के बारे में सोचा और इस किस्म का डोनेशन किया जो शायद जब कोरोना वायरस की किताब लिखी जाएगी और कई हजारों साल के बाद जब पढ़ी जाएगी तो उसमें एक नाम प्लाज्मा डोनेशन में नागपुर शहर से उभर के दिखेगा और सुनहरे अक्षरों में लिखेगा, वो नाम होगा आकांक्षा तलवार। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू सो थैंक मच। यू। आज राज की बात में हमने V7 के अच्छे कामों के बारे में जाना, हमने आकांक्षा तलवार के प्लाज्मा डोनेशन के बारे में जाना कि उन्होंने क्या सफर रहा है एक लड़की का, किस किस्म से एक इनिशिएटिव लेते हैं। V7 जो 7 महिलाएं आगे बढ़कर काम कर रही हैं, आज 132 120 हंड्रेड एंड ट्वेंटी लेडीज and they're happy to increase the numbers. Anybody would like to get in touch with them, please get in touch and make the numbers go more. And एक बात जो डॉक्टर दीपशा ने हमको समझाई, जो मुंबई से जुड़ी थी, जिन्होंने प्लाज्मा के बारे में हमको पूरी बातें समझाई, मैं चाहता हूँ कि ये सब चीजें आप लोगों तक शेयर करें, आप मिनिमम 10 से 15 लोगों तक, दोस्तों तक शेयर करें ताकि हम सबको प्लाज्मा के बारे में इंफॉर्मेशन पता रहे, जो बातें शायद हमको नहीं पता। अब राज की बात ये कि कई सालों पहले जब भारत को आजादी की जरूरत थी उस वक्त भी कुछ क्रूविल आत्माओं ने इस देश को जगड़ कर रखा था और आज भी हालात वायरस स्वरूप आई है तो आज भी जो देश है वो किसी और के कब्जे में। उस वक्त एक नाम आया था, वो नाम मुझे ऐसा लगता है कि देश की आजादी के सुनहरे पन्नों में है, हम आज भी उस नाम को सल्यूट करते हैं। वो नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। उन्होंने ये बात कही थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। डॉक्टर दीपशा यही कहना चाहती है कि हम अपना जो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो शायद हम कर नहीं पा रहे जो हमें करना चाहिए। आज दो चीजें हम नहीं कर पा रहे, हम अपनी अपने बारे में बहुत सारी चीजें सोच पा रहे हैं लेकिन समाज के बारे में, जिस समाज ने हमको सब कुछ दिया, आज जो भी है हम हमारे समाज की वजह से, हमारे शहर के वजह से, हमारे प्रदेश, हमारे देश की वजह से, तो हमारी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है कि हम उनको कुछ ना कुछ दें
खून देना सबसे आसान और सबसे बड़ा काम। आप कृपया प्लाज्मा अगर दे सकते हैं तो आगे बढ़कर दें, अगर आप खून दे सकते हैं तो आप खून दें। जितने भी ब्लड बैंक्स हैं वो पूरी तरीके से स्वच्छ हैं, सैनिटाइज्ड हैं, और बड़ा ही सरल तरीका है खून देने का। आपको भी पता है क्या, कई बार लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लिया है, अगर आपने कई समय से खून नहीं दिया है तो शायद ये वक्त है जब शायद किसी न किसी अस्पताल में खून की जरूरत पड़ रही होगी, और किसी की मृत्यु सिर्फ इसीलिए हो रही होगी क्योंकि खून की कमी थी या प्लाज्मा की कमी थी। अगर आप दोनों दे सकते हैं तो दोनों दीजिए, अगर आप प्लाज्मा दे सकते हैं तो प्लाज्मा दीजिए, अगर आप खून दे सकते हैं तो खून दे दीजिए। अब बात सीधा उनसे जो बड़े बड़े अफसर हैं, पांचवा वेतन, छठवा वेतन और सातवा वेतन उठाते हैं। ये बात नेताओं को समझाना इसीलिए बेकार है क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन ये बात अफसरों को समझाना बड़ा आसान है क्योंकि वो अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं। साहब आपने ना हमको बेड दिया, ना आपने हमको रेमडेसिविर दी, ना आपने हमको ऑक्सीजन दिया, और आपने हमको एडुकेट तक नहीं किया। ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी। शायद आप हमको पहले तरीके से पहले दिन से आप बोल रहे हो मास्क पहनो, सैनिटाइज रखो, दूरी बना के रखो, बाकी इंफॉर्मेशन कौन देगा चाचा, बाकी इंफॉर्मेशन कौन देगा? पोस्टरबाजी मत कीजिए, याद रखिए प्लीज भारत को एडुकेट कीजिए। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात, तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें परिवार के साथ। परिवार को लेकर छुट्टी मनाने कहीं नहीं जा सकते तो कम से कम ब्लड डोनेट करने तो जा सकते हैं ना। ब्लड डोनेट कीजिए, प्लाज्मा डोनेट कीजिए, खुद भी जिंदा रहिए और दुनिया को जिंदा रहने दीजिए। जय हिंद।